नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है तो क्या हो सकता है, आपके ऊपर क्या विपदा आ सकती है, क्या पेनल्टीज लग सकती है या क्या पनिशमेंट मिल सकता है। इन सब के विषय में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि नाम से पता चलता है, ऐसा लोन जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी है, यानी कि जब आपने लोन लिया था तो लोन लेते वक्त आपने ने अपनी कोई गाड़ी मॉर्गेज की, ने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, ने आपने कोई ज़मीन मॉर्गेज की, आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जिसको बैंक बेच कर अपना पैसा ले सके, अगर आपने उनका बकाया नहीं दिया तो। अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या चीज़ आती है, विशेष तौर पर दो चीज़ें। एक, क्रेडिट कार्ड। आप बोलेंगे क्रेडिट कार्ड तो लोन है ही नहीं। अरे भाई, वो लोन ही है। क्रेडिट कार्ड जो है वो एक प्लास्टिक कार्ड है, लेकिन उसके भीतर जो पैसे वो एक तरीके से आपको लोन ही दिया हुआ है। लोडेड है वो कार्ड 35,000 से, 50,000 से, 5,00,000 से। जब यूज में आपको लेना हो आप ले लो, और जैसे आपने उसको यूज में लिया वो एक तरीके का लोन ही आपको मिला है। सो क्रेडिट कार्ड एक तरीके का लोन होता है। और इसके अलावा पर्सनल लोन। तो जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं तो ऐसे लोन के समय आप किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं देते हैं। ये पूरी तरीके से आपको आपकी विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी के आधार पर मिलता है। अब भाई, आप इतने विश्वसनीय कैसे हो गए बैंकों के लिए? अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो बैंक ऐसा मानता है कि यार ये बंदा विश्वसनीय है। आपने अगर पहले कभी लोन लिया है और उसे टाइम से चुका दिया है तो बैंक ऐसा मानता है कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये हमें पैसे दे देगा, अच्छा इंसान है, ब्याज के साथ पैसे दे देगा, क्योंकि आपने पहले दिया है। और अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है, कभी आपने पहले लोन लिया ही नहीं है, आपने पहले कोई क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है, तो भी अगर आपकी कमाई ज़्यादा है बैंक के हिसाब से, जितनी उनको चाहिए, जितने पर वो विश्वास कर सकते हैं, तो भी वो आपको एक कार्ड दे देते हैं, लेकिन उसकी लिमिट थोड़ी कम रखते हैं। उदाहरण के लिए, आपको पहला जीवन का पहला क्रेडिट कार्ड मिला जिसमें 15,000 की लिमिट थी। अब अगर आप उसको खर्च करते हैं और चुकाते हैं, खर्च करते हैं और चुकाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि आपको धीरे धीरे वो लिमिट बढ़ाते जाते हैं कि भाई ये इंसान टाइम से चुका देता है। आपकी क्रेडिबिलिटी बनती जाती है, आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री तैयार हो जाती है। तो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, जहाँ कहीं भी आपने कोई मॉर्गेज नहीं दे रखा, जहाँ आपने कोई गोल्ड नहीं दे रखा, जहाँ आपने कोई ज़मीन जायदाद नहीं दे रखी है, वो सारे के सारे लोन होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब आते हैं अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में। लेकिन अनसिक्योर्ड है, भले उसने आपको दे दिया है, हो सकता है कि कल आपने चुकाओ। अगर आपने कल नहीं चुकाया तो क्या होगा, डूब जाएगा भाई उनका पैसा। यानी कि बहुत ही हाई रिस्क लोन है एक तरीके से। अगर आपकी ज़मीन जायदाद उनके पास गिरवी रहती तो उसको बेच देते, लेकिन वो भी नहीं है। अब एक इंसान की क्या सिक्योरिटी हो सकती है, इंसान का तो मूड है, या हो सकता है स्थिति सही नहीं हो, आपने तो नहीं दिया, डूब भी सकते उनके पैसे। इसे हम कहते हैं बहुत ही हाई रिस्क लोन। तो जो हाई रिस्क लोन होता है उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, और यही कारण है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज अगर आप उनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 40-50-60% तक का भी सालाना ब्याज लगा देती है। यह तो लगभग लगभग मिनिमम ही मान लीजिए आप, इसे कम से कम इतना तो लगाती लगाती है। तो आज का वीडियो आपको ये बताने वाला है कि ये अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने नहीं चुकाया, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बकाया नहीं दिया या पर्सनल लोन का बकाया नहीं दिया तो क्या हो सकता है, आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, आपको क्या सज़ा मिल सकती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। पनिशमेंट तो आपको मिलनी शुरू ही हो गई होगी अगर आपने बकाया नहीं चुकाया है। किस तरीके की पनिशमेंट? अगर आपके ऊपर लोन है और अगर आपने नहीं चुकाया है तो अभी आप ये बताइएगा कि आपका मूड कैसा है, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, किस तरीके का है। शायद आपके दिमाग में टेंशन होगी क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे क्रेडिट कार्ड कंपनीज के, बैंकों के लोन कॉल्स आ रहे होंगे, बहुत सारे कॉल्स तो ऑटोमेटिक होंगे, बहुत सारे कॉल्स ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से लोडेड होंगे विद गालीज, बहुत सारी गालियाँ उसमें भरी हुई होंगी, बहुत सारी थ्रेट्स, धमकियाँ होंगी,
आ रहे तुम्हारे घर पर, जा रहे तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे एचआर को लिखेंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, पड़ोस में आ जाते हैं, शोर शराबा, धमकियां, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, ये पनिशमेंट तो आपको मिल ही रहा होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 24 घंटे दिमाग में टेंशन, बीपी हाई। अगर ऑलरेडी आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उस समय और अधिक बीपी हाई होना सही नहीं है, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये यही चाहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 1000 रुपये भी बाकी है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बीपी हाई होकर उसके बाद कुछ भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इनका पनिशमेंट डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपके ऊपर पास नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, प्री लिटिगेशन नोटिस, बहुत तरीके के नोटिस भी आपके पास आ सकते हैं, आ गए होंगे नहीं तो ऑन द वे होंगे, आने वाले होंगे। तो सवाल यह है कि लास्ट में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखिए, अनसिक्योर्ड लोन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता? क्या इनके पास कुछ हक नहीं है? ये हमसे पैसा नहीं निकलवा सकते? निकाल सकते हैं। और सबसे आसान तरीका इनके पास है रिकवरी वालों को आपके पास भेजने का, जहां ये डराएंगे, धमकाएंगे और रिकवरी वाले बोलेंगे हम आपके घर पर आ रहे हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे पेमेंट करने में। जब आपके घर पर फैमिली होती है ना, भाई है, छोटा बहन है, माँ है, पिताजी हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उस वक्त यह चीज़ें बड़ी डरावनी लगती है। 3-4 मुस्टंडे आ जाते हैं, यू नो, बॉडी बिल्डर्स टाइप के, सॉरी। लेकिन आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, रेंटेड मकान अगर है, चेंज कर दो, 2-3 किलोमीटर दूर चले जाओ। रेंट एग्रीमेंट अगर बनता है ना तो अपने नाम पर नहीं बनवाना। फोन जो है ना, उसमें सारे अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर दो। और दूसरा अगर नंबर चाहिए तो एक नई सिम इशू करवाओ किसी और के नाम से, अपने अपनी वाइफ के नाम से नहीं करवानी। और एक सेकंड हैंड फोन खरीद लो, उसमें वो सिम इंस्टॉल कर दो, सिर्फ अपने बहुत ही करीब लोग जो हैं उनको वो नंबर दे दो। करीब में कौन है? आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं, बहुत ही करीबी लोग। फोन बंद, एड्रेस चेंज। 99% रिकवरी वालों के साथ आपका इंट्रैक्शन खत्म। कितने दिन? 6 महीने। 6 महीने क्यों? 6 महीने के बाद आपका अकाउंट एलिजिबल हो जाएगा सेटलमेंट के लिए। और सेटलमेंट के लिए जब एलिजिबल हो जाएगा तो आपको लगभग 70-80% डिस्काउंट पर वो लोन क्लोज कर देंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर 1,00,000 रुपये का डेट है, 20-30 हज़ार रुपये में क्लोज, सेटलमेंट करवा लीजिए। सेटलमेंट करवाऊंगा तो सर मेरा तो सिबिल खराब हो जाएगा। अरे यहाँ तो नसीब खराब हो रखा है, सांस नहीं ले पा रहे हो, सिबिल का क्या करना है? और अगर सिबिल बनाना है, क्या मुझे कभी भविष्य में लोन नहीं मिलेगा? उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट करोगे तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर, हमें जानना है कि सिबिल खराब होने के बाद हमारा तो लोन ही हम नहीं ले पाएंगे। लोन लेकर करना क्या है? देखो ना, सांस नहीं ले पा रहे हो। लेकिन फिर भी अगर जानना ही है कि क्या होगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट आप कीजिए। सच बताऊं, मैं आपको ऐसे भी तरीके बता सकता हूं कि उसके बाद आपको लोन मिल जाए, सिबिल खराब होने के बाद भी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोन के चक्रव्यूह में दोबारा फंसे। अरे भाई, दलदल है, जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना ही घिसते चले जाओगे। महसूस किया ना? किया ना महसूस? तो लोन नहीं लेना है। रिकवरी वाले परेशान करेंगे क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। बैंकों के लिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए आपसे पैसे निकलवाने का
तो रिकवरी वाले पीछे लगा देते हैं। लेकिन रिकवरी वाले जब देखते हैं कि 6 महीने से इस बंदे से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, फोन पर बात नहीं हो पा रही है, तो फिर वो सेटलमेंट ऑफर करना शुरू कर देते हैं। एक बार आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो गया, सेटलमेंट करवाइए, सांस लीजिए, चैन की, बच्चे को अच्छी स्कूल में भर्ती कराइए और जितनी चादर है उतने ही पैर पसाराइए। पर्सनल फाइनेंस को आपको कैसे मैनेज करना है अगर आपको नहीं आता है तो मैं कैसे करता हूँ, मैं उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ। चाहिए अगर वो वीडियो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और पूरा कमेंट कीजिए। प्लीज़ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाइए, प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, मुझसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जानकारी दे दीजिए कि आप चाहते हैं वीडियो और मैं बनाऊँगा अगर आपको उससे हेल्प मिलती है। तो फोन स्विच ऑफ नहीं करना है, नहीं करना है, सिर्फ अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर देना है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, दूसरी एक नई सिम इशू करवा लीजिए, दूसरे फोन में डालिए, जो भी बहुत ही करीबी लोग हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। ऑफिस पहुंच जाते हैं, अरे भाई सिक्योरिटी वाले होंगे ना उनको संभालने के लिए, आपको थोड़ी उनसे लड़ना है। और अगर आपने जॉब चेंज कर लिया तो और भी अच्छी बात, नहीं किया तो कर लो, 30% इंक्रीमेंट मिलेगा। अब ये जो समस्या है ना उसका समाधान मिलेगा, लेकिन पहली पिछली जॉब तभी चेंज करनी है जब नई जॉब मिल जाए। जॉब नहीं है तो जॉब क्रिएट करो भाई, शर्माना नहीं है। चाय की दुकान, ग्रेजुएट हो ग्रेजुएट चाय वाली, शर्माना नहीं है। बीटेक हो बीटेक पानी पूरी वाली, शर्माना नहीं है। एमबीए हो तो एमबीए चाय वाला, शर्माना नहीं है। जो हाथ में कमाई का साधन आए इज्जतदार तरीके से, जहाँ आपको इज्जत मिले, इज्जत से मेरा कहने का मतलब है कि एक इल्लीगल तरीके से आपको पैसे नहीं कमाने हैं, सारे काम करो, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। 6 महीने के बाद जब आप उनको मिलोगे, नहीं कि 6 महीने हो गए कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो 6 महीने के बाद क्या है, वो आपको सेटलमेंट करना ऑफर करना शुरू कर देंगे। तब तक पैसे इकट्ठे रखने की कोशिश कीजिए, 20-30% में सेटलमेंट हो जाता है और जब वो ऑफर आपको मिले तो आप सेटलमेंट करवा लीजिए और फिर चैन की बंसी बजाइए। एक बार सेटलमेंट होने के बाद आपकी ज़िंदगी में बाहर आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा और जितनी जल्दी हो सकती है इसे करवा लीजिए, क्योंकि इसी बीच में अगर कोई अलग मुसीबत आ गई तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो नोटिस वो भेजते हैं उस नोटिस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 138 का नोटिस इग्नोर नहीं करें, लेकिन वो तब होता है जब आपने चेक दे रखा, चेक नहीं दे रखा तो 138 का कोई आपके पास नोटिस नहीं आ सकता। और अगर आपके पास कोई आपके नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी आपके ऊपर केस करते नहीं है क्योंकि केस चलता बरसों, इन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि केस करें और फिर उस केस को लड़े। तो कभी भी अगर कोई नोटिस आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भेज दीजिए, या तो खुद ही देख लीजिए या मुझे भेज दीजिए। बैंक का कोई कोर्ट का समन आता तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, हालांकि वो केस नहीं करेंगे तो कोई समन आएगा भी नहीं। तो बिंदास होकर जिए, निश्चिंत होकर जीना है, मैं ये कर लूँगा, मैं तो डर गया, मैं क्या करूँ, हाय रब्बा हाय राम, नहीं करना है। शांत दिमाग से मेरे वीडियो को दोबारा से देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो, और निश्चिंत रहिए, दिमाग में टेंशन नहीं करनी, हर समस्या का समाधान है, मैं हूँ ना, मेरे वीडियोस हैं ना, निश्चिंत रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मैं उनको बता दूँ किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप लोन के दलदल में फंसे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ जिससे आपको जानकारी मिलेगी और दलदल से बाहर निकलने में आपको सहायता मिलेगी। करना क्या है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दिख रहा है ना उस पर क्लिक जरूर करना है, जिससे कि मैं कभी भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो वो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आए और आपको और अधिक जानकारी मिल पाए। अगर आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव मुझे पसंद आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिससे कि आपको सहायता मिल सके। और बिल्कुल टेंशन करनी नहीं है, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त
अपने भाई को आज्ञा दीजिए. आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.